हेलो सांग माने पूर्व वीडियो रे आमे वर्ग संख्या एवं सेगुडीकर गुण विषय रे सिखिथिले एही वीडियो रे आमे सेगुडीकर किछि उदाहरण देखिबा एही संख्या गुडीकर वर्ग रे केतोटी शून्य रहिबो तुमे एठारे वीडियो पॉज करी उत्तर चिंता करि पारिबो शून्य रो संख्या खोजिबा रे तुमर असुविधा हेउछि कि चलो आमे सांग हे खोजिबा पचास रे गोटिए शून्य रहिछि एवं संख्या सहे रे दुईटी शून्य रहिछि वर्गगुड़िकर शेषरे शून्य रो संख्या दुई गुण हेबो अर्थात एहार संख्या सबुबेले जुग्म संख्या रहिबो तेणु पचास रो वर्ग रे दुईटी शून्य रहिबो एवं सहे रो वर्ग रे चारोटी शून्य रहिबो खूब सहज ना जदि मु कहिबी जे निम्नलिखित संख्या गुड़िक मध्यरु पूर्ण वर्ग संख्या खोजिबाकु हेबो तेबे तुमे किपरि खोजिबो एठारे वीडियो पॉज करी तुमे उत्तर खोजि पारिबो चलो सांग हेइ उत्तर खोजिबा प्रथमे आमे देखिबा दिया जाइथिबा संख्या गुड़िक मध्यरु केतोटी संख्यार एकक स्थान रे दुई तीनि साते एवं आठे रहिछि आमे जानिछे जे एही संख्यार एकक स्थान रे एही संख्या गुड़िक मध्यरु कोनोसी गोटिए संख्या रहितिले सेही संख्या केबे भी पूर्ण वर्ग संख्या होई पारिबो नाही तेणु संख्या गुड़िक 53, 62 एवं 67 पूर्ण वर्ग संख्या होई पारिबो नाही एबे आम पाखरे बळका रहिला 50, 51 एवं 64 तुमे अवशिष्ट संख्या गुड़िक मध्यरु केऊ संख्या वर्ग संख्या गुड़िक आधार रे चिन्हि पारिबो एकदम ठीक पूर्ण वर्ग संख्या हेबा पई जेकोनसे संख्यार शेषरे शून्य रो संख्या जुग्म हेबा आवश्यक किंतु एठारे 50 रे केवल गोटिए शून्य अछि तेणु एही संख्या मध्य पूर्ण वर्ग संख्या नुहे चलो एबे अवशिष्ट दुईटे संख्या परीक्षा करी देखिबा दुईटे संख्या को आमे गुणनीयक रूपरे एही परि लेखि पारिबा एठारे आमे देखि पारिबा जे केवल 64 को कोनोसी संख्यार घात 2 रूपरे लेखि पारिबा अर्थात 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या एही प्रश्न तुमे अभ्यास करिबा पई दिया जाइछि तुमे एठारे वीडियो को अटकाई उत्तर चिंता करि पारिबो एही प्रश्नर उत्तर तळे दिया जाइछि एही वीडियो रे आमे वर्ग संख्या तथा सेगुडिकर गुण सहित जड़ित किछि उदाहरण देखिले परवर्ती वीडियो रे आमे एहा सहित जड़ित किछि भ्रांत धारणा तथा साधारण भूल विषय रे जानिबा धन्यवाद।